तो मुझे अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में पता करना है तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो जनरली क्या लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं, पर गूगल पे दी गई इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है और सही इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि तो गूगल पे हमारे जैसे आप जैसे लोग अपने वेबसाइट, अपने ब्लॉग, अपने वीडियो पे डालते हैं, तो आप कैसे पता करेंगे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन? इस पर कर्सर एक नोट्स आ जाता है, टेल मी मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको हेल्प पे खुल जाए चला जाए। तो मैं जब भी कुछ ढूंढना होता है मुझे, तो मैं सबसे पहले अक्सर हेल्प पे जाके किसी फीचर्स के बारे में पढ़ता हूँ, अगर वहां के रिजल्ट मुझे संतुष्ट नहीं देता है देन गूगल पे जाता हूँ। तो यहाँ सर्च करने के बाद मैं गूगल पे जाऊंगा तो फायदा क्या होगा कि गूगल पे अगर इन्फॉर्मेशन गलत है तो मुझे पता चल जाएगा कि गलत है, क्योंकि एज पर गूगल एक्सेल सीट एक चीज नहीं हो सकती, समझ रहे ना सर? क्योंकि ये जो प्रूफ रीड के साथ आया ना, इसकी जो हेल्प डली है इसको माइक्रोसॉफ्ट ने इसको प्रूफ रीड किया है, इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम है। ओके, आप जो सर्च कर सकते हैं, जैसे मुझे सर्च करना है लिमिटेशंस, मैं पता करना चाहता हूं कि हर फीचर्स की लिमिट कितनी है, कितने नंबर ऑफ शीट रो और बाकी चीजें, लिमिट को सर्च किया यहाँ पे आ गया एक्सेलिफिकेशन एंड लिमिट्स, यहाँ पे हर फीचर्स के लिमिट्स हैं। तो इसको एक बार कैजुअली आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रो में कितने कैरेक्टर ऐड किए जा सकते हैं। तो कभी कभी जब हम लोग बहुत बड़े लंबे फॉर्मूले बनाते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि सर कितने इफ लगा सकते हैं, या सम इफ के अंदर कितने हम कंडीशन ऐड कर सकते हैं, सम इफ्स के अंदर या इफ के अंदर कितने कंडीशन लॉग कर सकते हैं, तो उसका कोई लिमिट डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर आपकी सेल का करैक्टर जो फॉर्मूला लगा रहा है उसका करैक्टर 32,767 को पार करता है, इसका मतलब है कि फॉर्मूला आपका परफॉर्म नहीं करेगा। अगर आपको ये नियम पता होगा तभी कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आई तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको एक बार केजीबी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद इसी में शॉर्टकट की बात आती है, तो इसी में आप अगर शॉर्टकट को सर्च करेंगे तो आपको एक्सेल के शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। देखिए मैं शॉर्टकट बहुत कम यूज करता हूँ, यूज करने के पीछे रीजन ये है क्योंकि मेरे कीबोर्ड आपको दिखेगा नहीं ना कि मैंने क्या प्रेस किया, तो आपको पता नहीं चलेगा मैंने कौन सा फीचर अप्लाई किया, इसलिए मैं मोस्टली माउस यूज करता हूँ। लेकिन पहले ही क्लास में हम आपको बता देता हूँ कि भाई किस फीचर का क्या शॉर्टकट है, कैसे पता करोगे। ये शॉर्टकट लाने का बता दिया कि शॉर्टकट सर्च कीजिए और आप देखिए सारे फीचर सारे शॉर्टकट्स यहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है? सर ये हेल्प में आप कहाँ से गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में? नहीं, हेल्प में आप F1 प्रेस कीजिएगा, हेल्प आ जाएगा, या ऊपर दिख रहा होगा सर्च, या आई का निशान होगा, क्वेश्चन मार्क का निशान होगा, उस पे जाके उस पे भी जा सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है कि आप F1 प्रेस कर लीजिए, हाँ टेल मी मोर करके है इसमें। आ गया ना F1, टेल मी मोर है, सर्च है, क्वेश्चन मार्क है, F1 है, उसे जा सकते हैं। ओके तो इसको स्टडी कीजिए, शॉर्टकट्स के बारे में जो मैंने पढ़ाया उसको यूज कीजिए, और कल से हम बात करेंगे फाइल मेनू बार से। देखिए शुरुआत की कुछ क्लासेस में क्या होगा कि थोड़ी सी बेसिक होगी, थोड़ी सी एडवांस होगी, क्योंकि हर चीज को मुझे डिटेल में पढ़ाना है आपको, कि मुझे नहीं पता कि आपको पहले से कितना आता है, ये आता है तो अधूरा आता है। जैसे कि पुनीत जी आपने बताया कि नहीं, इन्होंने बताया शायद किसी और ने बताया है कि कंट्रोल एंड हम कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड करते हैं तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाता है। हाँ मैंने ही बताया जी। कि अगर आपने बीच में कोई ब्लैंक कॉलन है जो क्या पहले आपने यूज किया हुआ तो सिलेक्शन में वो भी आ जाएगा, ये चीज आपको पता नहीं थी। तो हर एंगल जानना जरूरी होता है, समझ गए? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम। सर आज की रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ आपको।